बैक ऑन द रोड। यहाँ से है मुक्तेश्वर 4.5 घंटे का रास्ता, सो लेट्स सी क्या रहता है। इस रोड पे ऐसे ऐसे छपरी मिल रहे हैं ना, हम लोग ग्रुप में चल रहे हैं तो बहुत लोग हैं जो उंगली कर रहे हैं, एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई। पता नहीं दूसरों को तंग करने में कौन सी खुशी मिलती है। यहाँ पर बोर्ड आने शुरू हो गए कि आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, थोड़ा ध्यान से चलें। तो भाई नैनीताल से थोड़ा आगे है मुक्तेश्वर। अब पता नहीं नैनीताल बीच में आता है या दोनों अलग अलग हैं या क्या है, पर मुक्तेश्वर का प्रोग्राम बन रहा है। बार बार प्रोग्राम चेंज हो रहा है, चलते चलते लोग थक गए हैं, तो बीच में बात आती है कि यार चलो नैनीताल ही रुक जाते हैं। फिर अभी बात हुई कि यार अब सोच के निकले हैं तो चलते ही हैं, तो अब चल रहे हैं मुक्तेश्वर की तरफ। और पेट्रोल डलवाना है क्या? ना ना, मेरे में तो है, मेरे में 150 किलोमीटर का है, मेरे में है 150 किलोमीटर का। 150 तो पहले बहुत कलर का। हाँ तो बस सही है। ये पहाड़ शुरू होने वाले हैं जिनके इंतजार में 250 किलोमीटर का सफ़र कर दिया है सुबह से, उनका आगमन हो चुका है ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ पहाड़, आगे भी पहाड़, साइडों पर भी पहाड़। हमारा पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू हो जाए, बहुत इंतज़ार है उस लम्हे का। तो गाइस पहला प्रॉपर पहाड़ एक्सपीरियंस शुरू हो गया अपना। मोरनी हिल्स था वैसे तो, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड था मेरे लिए, एक्चुअल तो ये है। लुक एट इट, मैं दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं नेक्स्ट टर्न पे दिखाऊंगा। ओ ये कितने लोग वापस आ रहे हैं भैया, अभी तो सैटरडे है, अभी तो जाने वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए।
एवेंजर पूरे खड़क गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाजें आ रही हैं। रास्ता बहुत खराब मिला अपने को, पता नहीं यार रास्ता मिला भी है कि उसे रास्ता कहना चाहिए, आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज वर्थ इट, टोटली टोटली वर्थ इट। और यहाँ एक पुल, ये प्रॉपर मतलब प्रॉपर एक्सपीरियंस हो रहा है यार, मतलब बेहतरीन वाला एक्सपीरियंस हो रहा है, समझ रहे हो, मुझे वही वो लद्दाख वाली फील आ रही है, ऑल्दो बहुत अलग है जगह, बट फील वही आ रही है, उसी तरह से मेटल ब्रिजेस, उसी तरह से नीचे वाटर बॉडीज, सिंगल लेन रोड्स, लगातार चलता हुआ काम, मजा आ रहा भाई, बहुत मजा आ रहा। This is why I love the hills here. All these corners. You get to carve a lot of these corners, na? और ये natural beauty जो दोनों तरफ होती है, that's an added benefit. अरे कैसे यार कैसे, तो यार एक भाई को हो गई थी रास्ते में कंफ्यूजन, तो उसके आधा घंटा ऑलमोस्ट हमने वेट किया, और मुझे कोई दुख नहीं है वेट करने का, क्योंकि मेरे को बहुत रेस्ट की ज़रूरत थी, तो बाइक को भी रेस्ट मिल गया आधे घंटे का, मुझे भी मिल गया, थोड़ा एक रिफ्रेशमेंट जैसा हो गया, ऐसा लग रहा है आंखें खुल सी गई हैं, सो नाउ आई कैन एंजॉय ऑल ऑफ दिस अ लॉट बेटर, एंड ऑल्सो राइडिंग थ्रू दीज घाट सेक्शन सॉर्ट ऑफ थिंग। दुआ करते हैं कि कभी घाट्स में भी चलाने का मौका मिलेगा, ऊपर वाला ऐसे ही रहमत बनाए रखे, बाइक ना मिले, गाड़ी चलाने को मिले, इतनी दूर पहले तो जाने को मिले। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, रोना बंद करते हैं और एंजॉय करते हैं। आओ। अच्छा टर्निंग्स में ना यार वो पत्थर पड़े होते हैं रोडी वगैरह, तो कोई बंदा जो वीडियो देख रहा है, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट। अभी अभी एक छोटा कंकर आया जो स्किड करा सकता था, एंड द रॉयल एनफील्ड न्यू क्लासिक विद द जे सीरीज इंजन, मेरी सबसे डिज़ायर्ड बाइक्स में से एक। और अब रास्ता रह गया है 45 किलोमीटर, जिसके लिए मैं आप बोल रहा है कि लगेंगे 2 घंटे, सो 20 की एवरेज आएगी,
विच इज आई थिंक क्वाइट नॉर्मल पहाड़ों के हिसाब से, क्योंकि रास्ता भले ही साफ हो आप ज़्यादा स्पीड बढ़ा नहीं पाते हैं। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, बोर्ड भी लगा हुआ है। यार मैं ना कुछ बोल इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज प्रैक्टिकली ना आई एम स्पीचलेस, क्योंकि मैं पहली बार पहाड़ों में आया हूँ फुल स्केल खुद ड्राइव करके। सो आई हैव अ लॉट टू एक्सपीरियंस, आई हैव अ लॉट टू टेक इन बट नॉट अ लॉट टू से। एंड आई वाज सो एक्साइटेड, मैं रात को ढंग से क्या ना के बराबर ही सो पाया, नींद ही नहीं आई। मतलब आई जस्ट केप्ट लाइंग ऑन द बेड बट नींद नहीं आई। कंट्रोल कंट्रोल उदय, वेरी रीसेंट लैंडस्लाइड। सो गाइस मेरे ईयर्स ब्लॉक होने शुरू हो गए हैं, हाइट बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ रही है, धूप भी है लेकिन ठंड भी बढ़ती जा रही है साथ के साथ। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द मुझे जैकेट के बटन बंद करने पड़ेंगे या फिर वापस स्वेटर पहनना पड़ेगा जो अभी मैंने नीचे जब धूप ज़्यादा थी गर्मी लग रही थी तो मैंने उतार दिया था। और पहाड़ों में ऐसे बहुत जल्दी वेदर चेंज होता है। अभी हम जहाँ फ़ोटोग्राफ्स के लिए रुके हुए थे वहाँ पर जैकेट को सिर्फ पहने रखना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि धूप सीधी पड़ रही थी, और अब यहाँ धूप नहीं पड़ रही है तो यहाँ चलते हुए मुझे ठंड लग रही है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, आपको हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है यहाँ पर, कोई और चारा नहीं है। डेढ़ घंटे का रास्ता रह गया है मुक्तेश्वर का,
एंड आई थिंक अब ये जो है ये एक स्ट्रेच में पूरा किया जाएगा। मैं जल्द से जल्द पहुंचना चाहता हूँ, शरीर बहुत थक गया है, 12 घंटे से लगातार एक्टिव है शरीर। सुबह 5:30 मैं निकल गया था पैकिंग वैकिंग करने के लिए, रूम से बाहर आ गया था और 6:45 तो मैंने वीडियो में ही टाइम दिखा दिया था, तो ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरे 11 घंटे तो हो ही चुके हैं, जब तक हम पहुंचेंगे 12 और 13 घंटे भी हो जाएंगे। सो प्रायोरिटी रहेगी कि पहुंचें, खाना खाएं जल्द से जल्द। सुनो, एक बहुत ज़्यादा ढलान है यहाँ पर, क्यों है आई हैव नो आइडिया, बट मुक्तेश्वर के रास्ते में है हम, और अभी हमने मचान वगैरह का एरिया कुछ क्रॉस किया। आई डोंट नो क्यों जगह का नाम था या शॉप का नाम था, बट जो भी था बोर्ड वोर्ड लगे देखे थे। अगर कोई लोकल व्यक्ति है तो समझ ही जाएगा कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। भीमताल क्रॉस किया हमने अभी, उसके बाद मुक्तेश्वर जाते हुए इतनी सारी उतराई है कि हाँ स्पीड को कम रखना मुश्किल हो रहा है।